कोई भी काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम उसे पूरी जानकारी हासिल करके उसके नियम जान के सावधानी से करते हैं तो फिर उस काम को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। लेकिन वहीं ये काम अगर थोड़ा कम मुश्किल भी है पर इसके बारे में हमें जानकारी ना हो, नियम ना मालूम हो, हम सावधानी ना बरतें तो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। ड्राइविंग करते समय अक्सर ऐसा होता है कि हमें गाड़ी को टर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही साधारण सी बात है और ऐसा आमतौर पर हम फेस करते हैं, तो गाड़ी को बड़ी आसानी से टर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसकी जानकारी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रोज़मर्रा के करने वाले काम को कभी कभी इतनी लापरवाही से करते हैं कि वो खुद तो मुसीबत में पड़ते ही हैं, दूसरे को भी मुसीबत में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क के किनारे आपको एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देगा जो साइड की गली से निकलकर सड़क के किनारे तक पहुंचा है। तभी सामने की तरफ से पहले एक ऑटो आती है। ऑटो की स्पीड देखिए, नियंत्रण में है, संतुलित है। उसके बाद उसके पीछे से एक पिकअप आती है जो पहले से ओवर स्पीड है, यानी उसकी गति आवश्यकता से ज़्यादा है, और जैसे ही वो वहाँ से टर्न लेती है उसका बैलेंस बिगड़ता है, पिकअप एक तरफ झुकती है और आगे जाते जाते टर्न लेते लेते पूरी तरह से धड़ाम से सड़क पर गिर जाती है और अनफॉर्चुनेटली सड़क के किनारे खड़े हुए उसी शख्स के ऊपर जाकर ये पिकअप गिरती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस रास्ते पर टर्न लेना था और वहाँ पर चालक ने वाहन की स्पीड को आवश्यकता से अधिक रखा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सड़क पर टर्न लेते हैं, अपनी गाड़ी को हमें कहीं मोड़ना होता है, उस वक्त हमारी गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए। यदि आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो लाजमी है कि टर्न लेते समय गाड़ी एक तरफ झुक जाएगी और इससे हादसा होगा। वही यहाँ भी हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे लोगों की भीड़ लगती है। इसी बीच ध्यान देने योग्य बात है कि उस पिकअप से धीरे धीरे आगे बैठा हुआ चालक खिड़की से निकलकर ऊपर आता है, कूदता है, नीचे उतरता है और आप देखिए कि किस तरह धीरे धीरे चलकर वो पिकअप के पीछे जाकर खड़ा होता है। और जब वो वहाँ से देखता है कि आगे दरअसल हुआ क्या है, एक शख्स पिकअप के पहियों की चपेट में आया है, बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो वो दुम दबाकर गली में वहाँ से भाग जाता है। कृपा करके ऐसा ना करें। ये बेसिक से नियम हैं जो गाड़ी चलाते समय हमें सिखाए जाते हैं, इसीलिए कभी भी इनकी अनदेखी ना करें। पूरी सावधानी पूर्वक पूरी जानकारी लेकर ही वाहन चलाएं, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया एक लापरवाह कदम आपके साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर सकता है।